एवरीवन, देखिए हम अपनी पेपर मैशी क्ले से ये भी बना सकते हैं। और अभी हम आज एक टर्टल बनाने जा रहे हैं। ओके, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज दोबारा आऊंगी और आप लोगों को क्ले का यूज करके बताऊंगी कि क्ले से हम कैसे यूज करेंगे। क्ले को हमने परसों बनाया था, हमारी क्ले एकदम परफेक्ट हो गई है। ये वाली पेपर मैशी की क्ले, ये देखिए वैसे ही रखी है मैंने। इस तरीके से पॉलीथीन में पैक करके एयर टाइट बॉक्स में रख दी थी। देखिए टिफिन, सिंपल टिफिन में कोई ज़्यादा वैसी चीज़ की रख दी। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो माधवी, रूपाली, निमिषा, सुनीता जी, ठीक है। अच्छा हाँ, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। बहुत सारे लोगों ने आज मुझे मैसेज किया और पूछा कि आपका नाम क्या है। लोगों को भी मेरा नाम नहीं पता, मुझे मोनकला के ही नाम से जानते हैं। तो मेरा नाम रिंकू श्रीवास्तव है। आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर आपको? आज मैंने कूलर चला रखा है, एसी के कमरे से बाहर निकलते ही दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना आपको? तो चलिए मैं बता दूँ, मेरा नाम रिंकू श्रीवास्तव है, मेरा ये मौन कला क्रिएटिविटी सेंटर है, मैं इसकी ओनर हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैंने बनाई है सुनीता जी, सारी पेंटिंग मैंने ही बनाई है मेरे घर में। और ये देखिए, ये हम लोग जो पेपर मैशी क्ले बनाई है हमने और जो कोल्ड पोर्सलिन बनाई, दोनों से हम इस तरीके का भी बना सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल मेरे पेज पर ही है, आप लोगों को मैंने लाइव सेशन में बताया था इसको बनाना। और आज हम जो बनाने वाले हैं इस तरीके से बनाएंगे, देखिए। ठीक है, तो हमने जो क्ले बनाई थी हम उसी से बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बस मेरा नाम पता चल गया, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये हमारी क्ले है जो हमने परसों बनाई थी। ओके निमिषा जी, ठीक है। और ये आप क्ले देख सकते हैं, इसको जब भी कोई भी क्ले को हम बना कर रख रहे हैं, मैंने ऊपर ट्यूटोरियल में लिंक डाला हुआ है, मैं दोबारा से लिंक डाल दे रही हूँ उसका, क्ले बनाने का। तो ये मैंने क्ले का लिंक डाल दिया, तो आप लोग क्ले बनाना, जिनको जो आज नए जुड़ रहे हैं, जिनको क्ले बनाना नहीं आता, वो प्लीज़ क्ले बनाना सीख लीजिएगा। मैंने अपने उस पर डाल रखा है, पेज पर भी है मेरे। तो आज हम इसी क्ले से काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्ले निकालेंगे, थोड़ी थोड़ी निकालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा पाउडर, कुछ भी पाउडर या अरारोट मैं यहाँ छिड़क ले रही हूँ, ताकि हमारे हाथ से चिपके नहीं। और वैसे चिपकेगी नहीं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ बिल्कुल, देखिए है ना। तो अब हमें प्रॉपर इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। जब भी आप कोई भी क्ले बनाएं या कोई भी क्ले से काम करें, तो उसको पहले निकाल कर इस तरीके से स्मूथ ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे कि हम लोग आटा मार के रखते हैं, तो जब वो रखा हुआ होता है तो हम उसे जब निकालते हैं तो थोड़ा सा दोबारा से उसे हम सुमेल लेते हैं, स्मूथ कर लेते हैं। बस वही टेक्निक से आपको अपनी क्ले को भी ऐसे करना है। और एकदम परफेक्ट क्ले है, क्रैक्स आए कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आते हैं तो उसे फिल करना भी आना चाहिए। तो अभी हम जो कछुआ बना रहे हैं उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए ये एल्युमिनियम फॉइल लिए, ठीक है। मैं एक मिनट कूलर बंद ही कर दूँ, है ना, क्योंकि उससे अच्छी हवा। सोनल बेटा कूलर को बंद कर दिया, हवा तो आनी रही, उल्टी आवाज़ और बहुत आ रही है उससे। हाँ अब प्रॉपर आवाज़ आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल लिया, ये जो हम लोग के किचन में खाना बनाने में यूज़ होती हैं फॉइल्स, इस तरीके की एल्युमिनियम फॉइल कोई भी होगी। आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से फाड़ना है और उससे आप बड़ा सा फाड़िएगा, मैं ऑलरेडी क्योंकि फाड़ चुकी हूँ, तो इस तरीके से करके हमें टाइटली इसको वो कर देना है। तो उससे क्या होगा, जो भी हम अपना आइडल बनाएंगे, वो स्कल्पचर बनाएंगे, वो सॉफ्ट रहेगा, मतलब लाइट वेट रहेगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा भारी नहीं होगा, ठीक। तो हम इस तरीके से मैंने कर लिया इसे, ये एल्युमिनियम फॉइल को मैंने किया हुआ, इसके ऊपर हम क्ले को रैप करेंगे। अब आपने क्ले अगर कोल्ड पोर्सलिन बनाई है तो आप उसको रैप कर लीजिए, आपने पेपर मैशी बनाई है आप पेपर मैशी को कर दीजिए, आपने और कोई भी क्ले बनाई है, मान लीजिए मार्बल पाउडर या सिरेमिक पाउडर वाली, तो आप उसे भी कर लीजिए, ठीक है।
तो हमने, आप अगर एल्युमिनियम फॉइल नहीं करना चाहिए, आपके पास इस समय नहीं है, तो आप इसको न्यूज़पेपर से भी इस तरीके से रोल कर सकते हैं, मतलब न्यूज़पेपर भी आप फाड़ी और ये गुड़ू मुड़ू करके उसको इस तरीके से टाइटली कर लीजिए, जैसे मैंने ये किया हुआ। ठीक, तो ये मैंने एक हमारे कछुए की पीठ जैसी बनाई दी है सॉरी, तो एक कछुए की पीठ जैसी बन गई। अब मैं इसके ऊपर अपनी क्ले को रोल करूंगी। आप चाहें तो क्ले को रोलिंग पिन से, अपने बेलन से रोल कर सकते हैं, किसी बॉटल से रोल कर सकते हैं, या मैंने अभी यहाँ पर इसी को ले लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा रोल करना है। रोल करने से क्या होगा, ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। ठीक, ये फ्लैट हो गया और आप देखिए पेपर एंसी की जो क्ले होती है उसका टेक्सचर थोड़ा सा रफ होता ही है। आप अगर इसको और ज़्यादा स्मूथ वाला करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इसमें पेपर पल्प काम लीजिएगा और क्ले पाउडर ज़्यादा लीजिएगा। अब देखिए मैं इसके ऊपर, ये मैंने ये लिया और इसके ऊपर इस तरीके से कवर कर रही हूँ। और अगर आपको लगे कि ये नहीं चिपक रहा तो आप अंदर थोड़ा फेविकॉल डाल लीजिए और उसके बाद चिपक जाएगा, वरना मेरा ऐसे ही चिपक जा रहा है। अगर आपको लगे इन केस कि ये अच्छे से आपसे नहीं चिपक पा रहा, तो आप थोड़ा सा इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर ही फेविकॉल लगा लीजिए, चाहे फेविकॉल लगा लीजिए या फिर अपने नोज चीज फेविक ग्लू लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर लीजिए और ये स्मूथ कर दीजिए। आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप पानी का हाथ भी ले सकते हैं जिससे इसे आप स्मूथ कर लें, और वरना मैं अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा कोई भी पाउडर, आप फेस पाउडर ले सकते हैं, टेलकम पाउडर ले सकते हैं, किसी से भी इसको इस तरीके से स्मूथ करके दिखा रहा। स्मूथ का मतलब आपको बस इसके जो क्रैक्स दिखे हैं वो हटा देने हैं, पूरा एकदम मर्ज कर देना है इसे। और ये देखिए पीछे से ऐसा दिख रहा है, आगे से इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे कछुए की पीठ बन रही है। आज मैंने कोशिश की काफी लोगों के कमेंट्स का जवाब देने की, क्योंकि फिर बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, फिर मुझे खराब लगता है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही, लेकिन थोड़े से कीजिए। अभी मैंने सारे की नहीं दी जो दिन में आई थी उसमें। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से स्मूथ कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें टर्टल के पैर, चार पैर, एक टेल और एक माउथ, तो यानी कि उसके लिए हमें इसका, इसको निकाल के रखना है। ठीक है, पहले खूब अच्छे से इसको इस तरीके से कर लीजिए कि ये निकले नहीं। मैं क्योंकि, और आपको एक एक स्टेप में कर कर के इसको रख के मतलब रोक के रखना है, ये नहीं कि तुरंत तुरंत सारा काम आपका, जब ये सूख जाए तब आप इसके हाथ पैर बनाकर फिर लगा दीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। मैं अभी क्योंकि आपको लाइव दिखा रही हूँ तो मैं सारा एक साथ ही करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब मैं और क्ले ले रही हूँ, ये देखिए। हेलो एवरीवन, सबको हेलो। देखा आपने, मैंने सिंपल पॉलीथिन में रैप किया था, किसी भी ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ना मैंने फ्रिज में रखा है, इसको फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं। अभी मेरे पास इतनी क्ले और बची है। अब मैं इस क्ले को पांच भागों में डिवाइड करूँ, छह भागों में, चार तो पैर, एक तेल के लिए और एक मुंह के लिए। ठीक है, तो फिर से मैं निकालने के बाद थोड़ा सा सुमेल लूंगी इसे। हाँ, आज दिन में आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया था इसमें कि आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा इनके कमेंट्स के कारण, तो आप क्या करिए, अपनी स्क्रीन पे जाइए और राइट साइड में स्वाइप कर लीजिए, अपने सारे कमेंट्स एक साथ चले जाएंगे, फिर आपको जो मैं काम कर रही हूँ वो प्रॉपर स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े पार्ट्स नहीं लेने हैं, मैं अभी अंदाज से नाप रही हूँ, फिर देखती हूँ मुझे कितना चाहिए। पहले मैंने एक लिया, पैर बनाएंगे पहले हम टर्टल के, सारी चीज़ें मैं यहाँ बनाकर एक से बराबर नाप के। ठीक है, यानी कि छोटा बड़ा नहीं होना है हमें। और अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हैं तो आप तीन टांगों वाला कछुआ, तीन टांगों वाला कछुआ होता है ना वास्तु में, वो बनाना चाहें तो आप वो बना सकते हैं। इससे तीन टांगे बना दीजिए। मैं यहाँ फिलहाल अभी चार टांगे बना रही हूँ। ये देखिए, दो मेरी ये हो गई और दो मैं और ले रही हूँ। टांगों में भी हम टेक्सचर देंगे, क्योंकि रफ रफ सा जो उसका टेक्सचर होता है वो कैसे देना है वो मैं भी बताती हूँ। पहले हम
इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने चार पैर के लिए कर लिया, ये मेरी बैक का हो गया। अब मैं एक टेल के लिए और एक इसकी ऊपर के, टेल छोटी सी बनानी है, टेल कोई बहुत बड़ी नहीं बनानी है। हेलो ईशा जी, हेलो कुंदा जी, कल्पा जी, कल्पना जी, मंजू जी। देखिए तो ये हमने टेल के लिए बना दी और अब मैं नेक के लिए बनाऊंगी। नेक मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए तो मैं नेक को अभी बड़ा ले रही हूँ, फिर मुझे अगर लगेगा तो मैं उसे छोटी कर दूंगी। तो आप भी उसका पहले जो भी चीज़ बना रहे हैं उसका डिवाइड कर लीजिए कि आपको क्या क्या बनाना है, आपके पास जितनी क्ले है वो प्रॉपर उतने में बन जाए, ठीक है, उस तरीके से। तो अब देखिए, अगर आप नेक में भी चाहते हैं तो आप एल्युमिनियम फॉइल लगाकर इस तरीके से रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल वो नहीं कर रही। अगर आपको लगे कि ज़्यादा वेटेड हो जाएगी तो आप वो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पोर्शन, चलो ये निकाल दिया है तो मैं इसे ही कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है। तो करने का तरीका भी आपको समझना रहेगा। ये है और ये लीजिए अपनी क्ले और इसके चारों ओर रैप कर दीजिए। देखिए इस तरीके से पूरा चार, मतलब ये बीच में हम लोग गुजिया बनाते हैं ना, मुझे गुजिया बहुत याद आ रही है, लग रहा है बनानी पड़ेगी। तो ये गुजिया के लिए जैसे हम लोग अंदर या समोसे में किसी में आलू भरते हैं, अंदर गुजिया में मसाला भरते हैं, उसी तरीके से हमने एल्युमिनियम फॉइल को अंदर भर लिया है। हेलो जी, कुसुम जी, कुसुम सुराना जी, हेलो एवरीवन, हेलो शैला जी। क्ले कौन सा है? क्ले कल्पना जी, मैंने क्ले बनाना बताया था अपने वीडियो में, परसों बनाना बताया था यहाँ लाइव सेशन में। ये पेपर मेशी क्ले है जिसका मैंने ऊपर ट्यूटोरियल का लिंक दे दिए जो मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उससे पहले क्ले बनाना सीख लीजिएगा, जो लोग आज नए जुड़े हैं। तो अब देखिए मैं मुँह बना रही हूँ, मुँह के लिए मैंने इस तरीके का पार्ट लिया और इसे मैं थोड़ा सा टर्न कर दूंगी, ये देखिए ऐसे थोड़ा सा टर्न कर दूंगी और जो ये क्रैक्स आते जा रहे हैं मैं इन्हें इस तरीके से फिल कर दूंगी, ये नहीं कि मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, ठीक है। आप जब मोड़ेंगे इस क्ले को तो थोड़ा सा, लेकिन आप आराम से ऐसे उसे सही कर सकते हैं। ये पेपर पाउडर नहीं स्वाति जी, इसमें पेपर पल्प हमने यूज़ किया है। पेपर पल्प किसी भी तरीके के आप पेपर से बना सकते हैं, इवन गत्ते से बना सकते हैं। आपको पेपर जो है पानी में गला लेना है और उसके बाद उसे रात भर भीगे रखना है और सुबह उसको आप मिक्सी में पीस लीजिए, अच्छे से पानी निचोड़ दीजिए फिर, और फिर उसमें चॉक पाउडर मिला के क्ले, पूरा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, आप आराम से उसे देख सकते हैं। तो देखिए मैं इसे इस तरीके से मोड़ रही हूँ और अब मैं इसका मुंह बनाऊंगी छोटू सा। ये देखिए मुंह बनाने के लिए मैं, ये देखिए ठीक है, ये हमारे कछुए का मुंह बन रहा है, कछुए की गर्दन बन रही है। अब हमें इसे अटैच कैसे करना है ये समझना है। देखिए मैंने बीच में एल्युमिनियम फॉइल लगाई हुई है। ओके, मेरी चाय ठंडी हो गई, सो सॉरी, आप लोग भी चाय पी लीजिए। मेरी बिटिया बना के ले आई मेरे लिए, ठीक है। तो हमें ये करना है और इस तरीके से मैं इसे कर रही हूँ ताकि हमारा इस पर ये प्रॉपर अटैच भी हो जाए। मैं अटैच करने के लिए थोड़ी सी क्ले और लूँगी क्योंकि मेरा पूरा लंबा वहाँ तक नहीं जाएगा तो फिर वो ढंग से नहीं चिपकेगा। थैंक यू सिमरन जी, मैं चाहती यही हूँ कि मुझे देख देख के सब लोग, सबको इंस्पिरेशन मिले, सबको लगे कि आपको भी करना चाहिए और इन दिनों में तो जरूर से करना चाहिए। कुछ ना कुछ जो भी आप करना चाहते हैं जरूर करिए, क्योंकि इस बीमारी के चक्कर में सबका दिमाग खराब हो गया, मेरा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं ना देखती ना सुनती ये सारी चीज़ें, ठीक है। अपना इन्हीं सब में मन लगाते हैं, ये सबसे बढ़िया कुछ नहीं है। देखा मैंने ये कर दिया, अब मैं इसके ऊपर इसको ऐसे करके टिका दूंगी और पीछे से पेस्ट कर दूंगी इसे, ठीक। तो पहले मैं यहाँ इसको स्टेबल कर दूँ। अगर ये वाला काम आप पेपर मैशी से नहीं करें तो फिर आप लोगों को बताऊं, अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे मोल्डेड से करिए। मोल्डेड जो होती है हमारे फेविक्रिल की, पिडिलाइट की एक बहुत बढ़िया क्ले है, बहुत लोगों ने यूज़ भी की होगी। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप उस क्ले से करिए, लेकिन अगर आपको वो क्ले अभी नहीं मिल रही, आप नहीं जा पा रहे, तो इस तरीके से घर पर बना के करिए। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ मैंने कैसे कछुए को, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए इस तरीके से टिकाया है,
ठीक है, मैंने नीचे वाला पार्ट, मैं नीचे वाला भी उठा के दिखा दे रही हूँ ये। अब मैंने इसको क्या करना है, ये वाले पार्ट को जो मैंने क्ले जोड़ी है उसको इस तरीके से चिपका देना है, यानी कि दोनों पार्ट आपस में ऐसे मर्ज कर देने हैं। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से कछुए की गर्दन टिक जाएगी। अब ये टिकाने के लिए हमें इसे सूखने देना है। मैं इस पे आज कलर करके नहीं दिखाऊंगी, आज मैं सिर्फ आपको बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, जब ये हमारा सूख जाएगा तब मैं इसमें कलर करूंगी। तो अभी मैंने ये बनाया, गर्दन लगाई, अब मैं इसके पैर और पूंछ बनाऊंगी। ये देखिए, पूंछ के लिए मैंने सबसे छोटा सा पार्ट लिया है। मुझे गर्दन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी आईज वगैरह बनानी है, तो वो मैं अभी बता दूंगी। पहले हम इसकी टेल बनाएंगे। ये देखिए, सिंपल लीफ की तरह से आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। हमने एल्युमिनियम फॉइल सिर्फ सेंटर में लगाई थी, ठीक है, हमें बाकी सब जगह नहीं लगाने की जरूरत है। शला जी, मेरा गाजियाबाद में है सेंटर, वहीं पर स्टूडियो है मेरा, गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक पे। लेकिन इन दिनों यहाँ पर कोई क्लास ऐसी नहीं हो रही, सारी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे क्लासेस के लिए भी डिटेल मांगा, तो मैं आप लोगों को कल जब आऊँगी तब मैं क्लासेस के लिए डिटेल दूंगी, क्योंकि जो मेरी हो चुकी हैं पहले की क्लासेस में उनमें भी उनका भी डिटेल आप लोगों को दे दूंगी, और जो नई करूंगी वो भी। तो देखिए, हम मैंने क्या किया, जैसे मैंने गर्दन को जोड़ा था वैसे ही मैं पूंछ वाला, टेल वाला पार्ट इसका जोड़ूंगी। अभी हमें ये, क्योंकि गीला है हिलेगा तो हमें बहुत ध्यान से करना है, हमें इसके सपोर्ट में कुछ ऐसे रख देना है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन पे पूरा नहीं दिखे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट भी देख रही हूँ, तो मैं अपने कमेंट स्वाइप नहीं कर रही हूँ। चाय पी लीजिए, सो सॉरी, मैं आप लोगों के सामने ही चाय पी रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बिटिया को भी निराश नहीं कर सकती, उसने मेरे लिए चाय बनाई है। बिल्कुल गणेश जी बनाना सिखाऊंगी, हाँ इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली ही है गणेश जी। ठीक है, मैं गणेश जी भी बनाना बता दूंगी, आज मैंने सोचा कि मैं कछुआ बना दूंगी। चलिए, तो अब हम इनके पैर बना रहे हैं। ठीक है, पैर में हम टेक्सचर देंगे, सूंड में मैंने वो गर्दन में मैंने कोई टेक्सचर नहीं दिया, सिर्फ हम आइज बनाएंगे, और टेल में कोई टेक्सचर नहीं दिया, हम इसके पैर में टेक्सचर देंगे। तो कैसे देंगे, पहले हम पैर को इस तरीके से, क्योंकि आप मान के चलो कि ये हमारी पेपर मैशी क्ले है, थोड़ा सा रफ टेक्सचर के संग आएगा, लेकिन हम इससे भी इस तरीके का काम कर सकते हैं। मैं वो समझाना चाह रही थी आप लोगों को, आप बच्चों के लिए इस तरीके के खिलौने बना सकते हैं, कुछ भी आप बच्चों के हाथ में दे देंगे तो वो तो आप सोचो कि न जाने क्या क्या बना डालेंगे, कार से लेकर अपनी एरोप्लेन तक सब बना देंगे। ठीक है, तो मैंने देखिए इसको ऐसे कर दिया। अब मैं पैर में जो टेक्सचर देना है वो कैसे देना है, क्या लगा सकते हैं कल्पना जी? हाँ फेविकॉल, बिल्कुल, मैं तो अभी नहीं लगा रही क्योंकि मेरी गीली गीली क्ले है, आप फेविकॉल लगाकर इसको चिपका लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सूखने के बाद मत चिपकाइएगा, गीले गीले में ही सब कुछ चिपकाइए। ठीक है, एकदम पूरा ड्राई होने के बाद नहीं, हल्का सा ड्राई हो जाए, मतलब आपका अगर एक आप पार्ट ने जोड़ा है तो वो रुक जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए, फिर आप करिएगा। ठीक, वरना आपको दिक्कत होगी। ये देखिए, तो पैर में टेक्सचर देने के लिए मैंने, कोई भी आप ब्रश का बैक ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये इस तरीके से मैं टेक्सचर दे देने इस तरीके में। ये क्ले ऑनलाइन नहीं मिलेगी, होममेड क्ले है, आपको आप खुद घर पे बना लीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह से मैंने बताया है, आप बना सकते हैं, सब लोग आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसको कोई कुकिंग भी नहीं करने की ज़रूरत है, इस केक को वो क्ले को ना बेक करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये मैं पैर में इस तरीके का टेक्सचर दे रही हूँ। पूरा वीडियो नहीं दिख रहा, ओके, ये लीजिए, आप दिख रहे हैं, थैंक यू संजना जी, हेलो अनामिका जी, शोभा जी, अब दिख रहा है, अब देखिए मैंने पैर में कैसे टेक्सचर दिया इस तरीके से। ठीक, अब मैं पैर लेके इधर अभी रखती जा रही हूँ, पहले मैं चारों पैर बना लूँगी फिर उसको चिपकाऊंगी। चिपकाने के लिए आप आराम से फेविकॉल ले सकते हैं। क्रॉसिंग का एड्रेस, आप भी क्रॉसिंग में रहती हो क्या प्रवीण जी?
ये देखिए मैं दूसरा कर रही हूँ, दूसरा पैर, दूसरे पैर की भी शेप मुझे वैसे ही करनी है। और उसके बाद मैं टेक्सचर दे रही हूँ, सिंपल ब्रश के बैक से टेक्सचर दे रही हूँ। ठीक है, ये अभी मैं इसे प्लेस नहीं कर रही, सिर्फ दिखा रही हूँ आपको बना के। क्ले का मैंने ट्यूटोरियल लिंक ऊपर दे रखी है, अपने आप देखोगी तो पूरा ट्यूटोरियल लिंक दिया है। हाँ, सच में सोनल कितनी छोटी थी, है ना सीमा? सीमा आती थी सीखने के लिए हमारे यहाँ, और बहुत प्यारा मेराल बनाया था सीमा, भारती और कितने लोगों ने बनाया था मैं भूल गई। बहुत अच्छी चाय बनाई है बिटिया रानी ने, आप लोग भी सो सॉरी मैं आप लोग के बीच में पी रही हूँ, मैं पी लेती हूँ, आप लोग देख ही लो एक मिनट। बिटिया को भी नहीं नाराज कर सकते ना, इतने प्यार से बना के लाइए कि मम्मी क्लास ले रही है तो मैं उनके लिए चाय बना लाऊं, है ना? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया चाय पीने के लिए। ये मैंने तीसरे पैर में भी टेक्सचर दे दिया इस तरीके से, हर पैर में इसी तरीके से टेक्सचर देंगे। और इसे ऐसे तीन पैर हो गए मेरे, मैं चौथा पैर बनाने जा रही हूँ। अब इसकी पीठ में भी जो हमें काम करना है ना वो मैं, ओके तनुजा जी सही से दिख रहा है, थैंक यू। चंचल जी मैंने क्ले बनाना बताया है, लिंक भी ऊपर डाली हुई है कि आप लोग क्ले किस तरीके से बनाएंगे, आप उसको ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा। मैं यहाँ दोबारा से लिंक शेयर कर देती हूँ, मेरी उंगली में ये लिंक चिपकी हुई है। ये लीजिए, मैंने लिंक शेयर कर दी क्ले बनाने की, क्योंकि मैंने अभी ऊपर पोस्ट की थी ना, तो वही है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने, अब इसे बस सही से प्लेस करना है हमें, हम जितना अंदर इसे रखना चाहते हैं उतना अंदर कर देंगे। मैं भी देख लूँ सही दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब इसके आईज बनाओगे, अब आप आईज देखिएगा कैसे बनानी है। मैं पहले कमेंट स्वाइप कर दिए, ठीक है। ये देखिए आईज के लिए मैं यहाँ पर ये होल करा, दिखा, इधर भी होल करा, इसी से कर दिया मैंने, कोई टूल की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी ब्रश हो, आपके पास पेन हो, किसी से भी आप इस तरीके से इसमें होल कर दीजिए। अब आप क्या करिए, अब आप दो तरीके से इसकी बैक में काम कर सकते हैं। आप या तो इसको इस तरीके से छोटे छोटे से, ये बनाकर पूरी पीठ पर ऐसे ऐसे लगा दीजिए, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको, अब थोड़ा फेविकॉल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं तो ये छोटे पीसेस जो हैं वो झड़ जाएंगे, है ना? और या आप टेक्सचर भी दे सकते हैं, फिलहाल मैं अब इसी तरीके से बता रही हूँ, नहीं तो क्या होगा कि फिर जो लोग बिगनर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, मैंने फेविकॉल लगा ली, और अब मैं ये छोटी छोटी सी, जरूरी नहीं है कि वो किस शेप की हो, आपका चाहे स्क्वायर कर लीजिए, चाहे रेक्टेंगल कर लीजिए, चाहे ट्रायंगल कर लीजिए, चाहे जो शेप आपका मन करे, आप बस इसमें लेके ऐसे प्लेस करते जाइए। दिख रहा है ना प्रॉपर? मिराल्स देखना पसंद करेंगे, वो मैं पिक्चर शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो वाला जो मैंने अभी जिसकी जिक्र कर रहे थे ना, वो तो मेरा टूट गया है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। दीपाली जी दिख रहा होगा आई थिंक, अब तो मैंने नीचे भी कर दिया है, ये देखिए। ठीक है, तो ये मैं पीठ पर बना रही हूँ, ये कछुआ बना रहे हैं हम। दीपाली जी कहाँ से सीखा,
पता नहीं, करते करते ही आ गया। सच बता रही हूँ, इतनी सारी क्लासेस मैंने नहीं सीखी हैं कहीं से भी, सब अपने आप ही आया है। सारी चीजें तो नहीं सीखी, लेकिन हाँ कुछ चीजें सीखी हैं। और कुछ शौक था बचपन से, कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतना कर रहे थे। साइंस साइड की स्टूडेंट थी, ज्यादा कुछ उस समय नहीं, लेकिन हाँ अपनी ड्रेसेस डिजाइन करना, अपने कपड़ों पे कुछ ना कुछ कढ़ाई करना, कुछ पेंटिंग करना, लहंगा पेंट करना, अपना शादी पे पहना था जो लहंगा, तो वो खुद पेंट किया हुआ था, अपने लगन की साड़ी खुद डिजाइन करी थी। बस ये शौक है, मम्मी से आया ये तो सब ज्यादातर शौक, मुझे भी और मेरी सिस्टर को भी। ये अर्चना जी, मैंने पेपर मैशी क्ले से बना रही हूँ ये, वो दिखाऊँ? बहुत सारी चीजें बना डाली हैं स्वाति जी मैंने लॉकडाउन के समय में। ठीक है, मैं पिक्चर कलेक्ट करके, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे बहुत सारे कोर्सेज भी चल रहे थे। पेस्टिंग के लिए विजय जी मैंने नीचे फेविकॉल लगा दिया, देखिए ये फेविकॉल लगा दिया मैंने, और उसके ऊपर मैं पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और दीपाली जी, अच्छा अनुपम जी आपको क्यों नहीं दिख रहा? सब लोग बताइए प्लीज, सबको दिख रहा है? कुछ ऐसा भी है कि कुछ थोड़ा सा पता नहीं क्या, भगवान जी की कृपा है कि माता रानी की कृपा है कि कोई चीज देख लेती हूँ, अगर थोड़ा सा भी लगता है ना बना सकती हूँ या बना, तो वो दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है कि कैसे बनाऊँ कैसे बनाऊँ, और फाइनली वो बनी जाती है। किसी ने जुगाड़ू बहुत हूँ मैं। आपको पता है जब मैं पहले बांदा में रहती थी तो मेरे पास पुलिंग स्टेप, पुलिंग की निडल्स वहाँ पर नहीं मिलती थी, फिर तो मैंने दुकानदार को, शॉपकीपर को, जो हमारे वहाँ संतोष बटन वाले थे, उनको दिखा दिखा के, उनको सामान की पिक्चर दिखा दिखा के मैं सारी चीज़ें मंगा लेती थी, तो वो ला देते थे। लेकिन वैसे जब नहीं मिलता था सामान, तब जुगाड़ से सारे काम करते थे। और वो धीरे धीरे आप लोगों को अपनी जुगाड़ भी बताऊंगी, इसीलिए सारी चीज़ें मैं घर की चीज़ों से ही कर पा रही हूँ। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। अब देखा मैंने, बस ये छोटी छोटी सी बटन जैसी, बूटियां जैसी बनाती जा रही हूँ, और इसमें मैं प्लेस करती जा रही हूँ, और ये सूखने के बाद एकदम परफेक्ट बन जाएगा। आप सूखने के बाद ही हम कलर करेंगे इसमें। ओके, पेपर मैशी क्ले है ये। अब मैं कुछ सोच नहीं रही कि मुझे कितनी बड़ी ये बनानी है ना, छोटी बड़ी जैसे जहां पर भी है मन कर रहा है, मैं वहां जैसी स्पेस है, जैसे यहाँ कहीं छोटा लग रहा है तो रैंडमली आप बच्चों को देंगे ना ये क्ले बनाकर, और इस तरीके से आप एक बच्चे इतना एंजॉय करेंगे इसको बनाने में, गारंटी है कि सारे बच्चे क्ले से खेलने में एंजॉय करते हो, और पूरे गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप लोगों के भी हाथ में क्ले आ जाएगी ना, आप भी कुछ ना कुछ बना ही डालोगे। तो ये बस इस तरीके से छोटी छोटी सी मैं इसमें बनाती जा रही हूँ और लगाती जा रही हूँ, चिपकाती जा रही हूँ। ये जब कलर हो जाएगा तब आप देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल, मैं गणपति जी बनाना बताऊंगी, गणपति जी भी बनाऊंगी। ठीक है, अभी मैं और बना रही हूँ क्ले, क्ले तैयार कर लूँ उसके बाद, क्योंकि उस दिन आप लोगों ने देखा होगा मेरे बहुत सारे जो है पेपर भीगे हुए रखे थे, तो मैं उससे क्ले बनाऊंगी और आप सबके संग गणपति जी बनाना शेयर करूंगी। जो मुझे आते हैं वो मैं जरूर बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अभी मैंने नीचे पैर चिपकाए नहीं है, अभी मैं ये काम कर लूँ, उसके बाद आप लोग चिपकाएंगे तो फेविकॉल से ही चिपकाइएगा। ठीक है, मैं अभी फिलहाल इसे ऐसे ही रख रही हूँ, और कल मैं दिन में लाइव नहीं आऊँगी, शायद इसी समय के आसपास आ पाऊँगी, क्योंकि कल मुझे पूरे दिन प्रिपरेशन करनी है क्विलिंग की क्लास की, तो क्विलिंग की वर्कशॉप ले रही हूँ। मैंने अभी उसका शेयर भी किया हुआ है, इसमें हम एक्रेलिक कलर यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसे अपनी साइड से तो बाद में कर लूंगी, पहले आपकी साइड से कर लेती हूँ।
आपकी बेटी 6 साल की है? ओके। आज भी कई लोगों के मैसेज आए थे कि उनके उनके बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और जबकि ये ऐसे वीडियोस हैं, ये बच्चे बड़े सब एंजॉय कर रहे होंगे आई थिंक, है ना। मम्मियाँ भी एंजॉय कर रही होंगी, उनको भी बनाने में अच्छा लगेगा, बच्चों को भी बनाने में अच्छा लगेगा, और मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे तो खैर हर काम करने में अच्छा लगता है क्ले का, क्राफ्ट का, किसी भी तरीके का क्राफ्ट हो। ठीक, तो पूरे को बस सारी तरफ से इसी तरह से कवर कर देंगे, और उसके बाद हम वाटर टब भी क्ले का बनाए क्या? कौन सा वाटर टब? अच्छा, ये नहीं, ये कांच की सिंपल बाउल है जिसको मैं इस तरीके से मैंने सजा दिया है, और ये जो है मैं इसमें जब भी हमारे यहाँ कीर्तन वीर्तन या कुछ होता है पूजा वूजा का, तब मैं इसमें लौंग इलायची वगैरह सर्व कर देती हूँ, और या इसमें कभी रोली चावल रख देती हूँ, या होली पे मैं इसमें गुलाल वगैरह रख देती हूँ पेपर क्ले। विनीता जी, मैंने दो तरीके की क्ले अभी आप लोगों को बनाई बताई हैं। एक तो मैंने कोल्ड पोर्सलिन की क्ले, जो मैंने अरारोट से बनाई थी, ये वाली मेरी पेपर मैशी क्ले है, जो कि मैंने पेपर पल्प से और चॉक मिट्टी से बनाई थी। ठीक है, तो चलिए इसका बस इतना ही है। ये बनने के बाद इसमें क्या होगा कि जब ये सूख जाएगा तब हम इसमें कलर करेंगे। अब मैं आँख बस बना दे रही हूँ। ये देखिए, आँख के लिए मैंने जो होल किया था, मैं थोड़ा सा बड़ा होल कर लूँ ताकि मैं अच्छी सी आईज बना सकूँ। मेरा कछुआ थोड़ा बड़ा है, तो मैंने स्केच पेन का ढक्कन ले लिया, इससे मैं थोड़ी सी अच्छी सी बड़ी बड़ी आँख बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब मैं छोटी सी आंख के लिए दो गोलियां बना रही हूँ। ये देखिए, छोटी सी छोटी छोटी सी मटर के जैसे ये दो दो गोलियां बना दी, और ये जो हमने होल किया इसके अंदर घुसा दी। ठीक, और अब इसके ऊपर मैं छोटी सी आईब्रो बनाऊंगी। ज्योति जी, नहीं पता कैसे आया ये टाइम, वैसे हो सकता है मेरी मम्मी बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, उनसे उन्हीं से आया होगा। मेरी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा करती रहती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मम्मी तो अभी भी करती हैं, बस मेरी बहन नहीं है, लेकिन उसी की याद में मैं अब तो बहुत सारा काम करती रहती हूँ, क्योंकि हम दोनों मिलके बहुत कुछ करते थे। ये देखिए, ये किया मैंने, अब मैं इसकी गर्दन अगर चाहूँ ना तो ऐसे भी रख सकती हूँ, थोड़ा सा घुमा भी सकती हूँ, यानी कि इसे ट्विस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं, क्योंकि ये मेरी पेपर मैशी की क्ले है, तो मैं ज़्यादा रिस्क लूंगी नहीं मैं इसे यहीं तक छोड़ दूंगी। ठीक है, रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है, ये पेपर मैशी है, तो इसे उसी तरह, हर एक क्ले का देखिए अपना अलग होता है, जो भी हम क्ले से काम करेंगे। अगर मैंने इसे कोल्ड पोर्सलिन से किया होता तो मैं इसे और भी बेंड कर सकती, अगर मैंने मोल्डेड से किया होता तो मैं बुरी तरह से घुमा देती, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो हर एक क्ले को काम करने का तरीका अलग होता है, हर एक क्ले का बना हुआ सामान अलग तरीके का होता है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं है कि आप एक क्ले से जिस तरीके का फ्लावर बना रहे हैं तो दूसरी क्ले से भी सेम वैसे ही बन जाएगा, वो चीज़ का ध्यान रखा करिए। ठीक, तो मैंने इधर वाली आइस बना ली है, मैं देख लूँ सही बनी है कि नहीं। ओके, अब इसमें मुझे होल भी करना है। आप लोगों को आइस कैसे दिखाऊं, मैं निकाल के दिखा दूं क्या? क्लोजअप करके दिखा देती हूँ, नहीं दिखेगी अभी भी। देखिए, मैंने आइस की है, पूरा आईब्रो भी बनाया है, और उसके ऊपर ये देखिए थोड़ा होल भी किया, ये गोली डालने के बाद यहाँ होल भी किया। आप इस तरीके से बनाना चाहें इस तरीके से बना दीजिए, और आप अगर वैसे बनाना चाहें इसे जैसे मैंने पहले बनाई थी तो आप वैसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, इस तरह से भी बना सकते हैं, दूसरी तरीके से भी, ठीक है। लेकिन ये अभी टिकानी पड़ेगी गर्दन, नहीं तो ये लग जाएंगे महाराज जी हमारे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बनाना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस क्ले से
टॉर्टोइस बना सकते हैं। अगर आपको ये आंख नहीं अच्छी लग रही है, आप सिंपल इसे नॉर्मल आंख भी बना सकते हैं। मैं वैसे ऐसे ही बनाने की सोच रही हूँ, देखते हैं मेरी कैसे बनेगी। मुझे वैसे ये सिंपल छेद वाली भी अच्छी लग रही है। ठीक है, हाँ सब फेविकॉल से चिपकाइएगा, जैसे मैंने ये ऊपर का फेविकॉल से चिपकाया, आप पैर भी फेविकॉल से चिपकाइएगा तनुजा जी, नेक भी फेविकॉल से और ये भी। ठीक है, रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि ये पेपर मैशी की क्ले है। ठीक, अभी मैं भी इसमें यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर निकाल के ये सब फेविकॉल लगा दे रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए इसे ऐसे प्लेस कर दिया था कि आप लोग को शेप समझ में आए कि मैं बना क्या रही हूँ। हम कछुआ बना रहे हैं, कछुआ वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तीन पैरों का कछुआ अच्छा होता है ना। आप तीन पैरों का कछुआ बनाना चाहें, आप तीन पैरों का कछुआ बना दीजिए। आप अब मैं आपको नेक आँख देख, मैं भी देख लूँ जरा, नहीं मेरे को पसंद नहीं आ रही आँख। ये वाली आँख ज़्यादा सुंदर लग रही है ना, इसकी जगह ये नहीं मुझे अच्छी लगी, शायद ये कलर करके अच्छी लगे, नहीं मुझे नहीं अच्छी। मैंने इसकी आंख की गोली निकाल दी, मैं इसी तरीके की आंख बना रही हूँ। ठीक है, हम ऐसी ही आंख बनाएंगे। ठीक, तो मैंने वो गोली निकाल दी है और अब मैं इसे प्लेस कर रही हूँ, और अब मैं इसको भी उठा के सब जगह फेविकॉल लगा दे रही हूँ, नीचे भी पैर में भी। ठीक है, मिकिता जी क्ले बनाने की रेसिपी मैंने लिंक शेयर करी हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा, पूरा प्रॉपर क्ले बनाना बताया हुआ है मैंने, मैंने लाइव सेशन में बताया था, आप मेरे पेज पर लाइव सेशन भी देख सकती हैं उसका, और यूट्यूब पे भी मैंने डाल दिया, आप यूट्यूब पे भी देख सकती हैं। ठीक है, अब देखिए मैं सब तरफ इसके फेविकॉल लगा रही हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी फाइनल पोजिशनिंग करनी है। तो ये दोनों हो गए, ये हमारी नेक हो गई और इसे यहाँ चिपका दिया ये। ठीक, थोड़ा सा जब आप चिपकाएंगे तब थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आपने देखा मैंने बातें करते करते बना डाला, और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इसी तरीके से बातें करते करते बना डालें और मुझे दिखाएं। ठीक, हाँ पिकॉक भी बना सकते हैं, मैं जल्दी ही बड़ा सा एक पिकॉक बनाने वाली हूँ, तो वो भी जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के संग। ठीक है, बहुत बड़े साइज का बनाने वाली हूँ और उसमें असली पिकॉक बना लगवाने वाली, पिकॉक के पंख लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन है। मैंने बांदा में अपनी एक स्टूडेंट है और मेरी वो फ्रेंड भी हैं विजय लक्ष्मी जी, उनको मैंने बनवाया था और बहुत प्यारा बना था। आप किसी भी क्ले से बना सकते हैं, वो मैंने उनको सिरेमिक क्ले से बनवाया था। ठीक है, तो आप लोग पिकॉक भी बना सकते हैं। मेघा जी, मैंने क्ले जो है पेपर मैश यूज़ किया यहाँ पे। ठीक, तो अब मेरा ये टॉर्टोइस बन गया। अब मैं इसको ऐसे ही सूखने दूंगी, नेक को सूखने में टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसमें तो अंदर एल्युमिनियम फॉइल भरी हुई है ना। मुनीरा जी, मैं गणेश जी भी बता दूंगी। ठीक है, ओके, तो ये बनाना सबको आ गया होगा, बहुत इजी है। प्रीति जी, मैंने लिंक शेयर करी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा किस तरीके से बनेगा। मैं दोबारा से लिंक शेयर कर दे रही हूँ, मैंने क्ले बनाने की लिंक शेयर कर दी। ठीक है, तो अब हमारा बस ये इतना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए, सिर्फ मुंह को, और हाँ मैं थोड़ा सा कर दे रही हूँ पॉइंटेड ये इस तरीके से। ठीक है, एक कट मार दिया है बस बीच में। हाँ, आप पुट्टी से भी बना सकते हैं, पुट्टी पाउडर से बना सकते हैं आराम से, उसमें फेविकॉल मिलाइए। पुट्टी पाउडर, मार्बल पाउडर, सब लगभग एक जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सोनिया जी लेट नहीं हुई, आप दोबारा से देख लीजिएगा। नेक पर टेक्सचर मैंने नहीं दिया है, नेक पर कोई टेक्सचर नहीं दिया, नेक पर टेक्सचर देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ पैर पर टेक्सचर दिया है और ये बैक में दिया है। ठीक है, बैक में तो मैंने छोटी छोटी सी ये मटर जैसी बना ली और उनको पिचका दिया इस तरीके से बस, और वो पेस्ट कर दिया है। कल क्या सिखाऊंगी, कल हो सकता है मैं आप लोगों को भी क्विलिंग का ही सिखा दूं, क्योंकि कल मैं साईंराज आर्ट करके ग्रुप है उनका, साईंराज सर जी का, तो उनके ग्रुप में जा रही हूँ, उनके ग्रुप में क्विलिंग का प्लेटर बनाना सिखाऊंगी, तो आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और मैं फिर अपने पेज पर भी आऊँगी तो वही रिपीट कर दूँगी, ठीक है, देखती हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं करी, लेकिन हाँ अगर ये सूख गया तो मैं इसको कलर करके दिखाऊँगी। कलरिंग इसकी सूख जाने के बाद करेंगे, ठीक है। और मैं अपना टाइम लाइव आने का इसलिए नहीं बता पाती क्योंकि नहीं मालूम कि मैं कब लाइव आ जाऊँगी, क्योंकि होता क्या है सारे काम घर के भी करने हैं, उसको करने के बाद ही सब करना होता है, ठीक है। तो मैं टाइम नहीं फिक्स बता पाऊँगी, लेकिन जब भी आऊँगी आप लोग अगर पेज मेरा लाइक किया हुआ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप लोग, ठीक है, आप लोग आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अभी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये कछुआ बनाना हमारे साथ, ठीक है। इसको तब तक नहीं हटाएंगे जब तक ये पूरा सूख नहीं जाएगा, ठीक है, पूरा ऐसे ही मैं इसे इसीलिए मैंने देखे इसको इस पे रखा हुआ है कि मैं इसे उठाकर अचक से, मुझे अपनी टेबल पे दूसरा काम करना होगा, मैं इसे यूँ उठाकर अचक से कहीं रख दूंगी। तो आप भी किसी और सरफेस पे बनाइएगा और उस पे उसको उठा के अचक से रख दीजिएगा, ठीक। ये जैसे कि मैंने ये बनाया था, आप ये भी बना सकते हैं, ये भी मैंने बनाना दिखाया था, बहुत ईजी है। ओके बाय एवरीवन। सैम्पल किसका दिखाऊं करिश्मा जी, चलिए फिर मिलेंगे, ठीक है, बाय 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 एवरीवन। स्वाति जी आप वो देख लीजिएगा, उसमें पूरा ट्यूटोरियल है, ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।